कक्षा छह गणित अध्याय तीन का अगला टॉपिक है सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज। इसको आप प्रश्नावली 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी कह सकते हैं या फिर परिचय पार्ट भी कह सकते हैं। कुछ संख्याओं के युग्मों के गुणनखंडों को देखिए। 4 और 18 के गुणनखंड क्या हैं? तो 4 के गुणनखंड हैं 1, 2 और 4। 18 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। दोनों संख्याओं 4 और 18 के गुणनखंड 1 और 2 हैं, यानी इन दोनों में 1 और 2 क्या हैं? कॉमन गुणनखंड हैं। अथवा ये 4 और 18 के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड हैं। कॉमन फैक्टर हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड है या फिर सार्व गुणनखंड है। इसलिए आपको इंग्लिश में ज्यादा याद रखना है कि क्या है ये कॉमन फैक्टर है या कॉमन गुणनखंड है। आगे चलते हैं। निम्न युग्मों के उभयनिष्ठ या सार्व गुणनखंड क्या हैं? तो इसको आपको खुद से निकालना है। अगला देखते हैं, 4 और 15 के सार्व गुणनखंड क्या हैं? 4 के गुणनखंड हैं 1, 2 और 4। इसी तरीके से 15 के गुणनखंड हैं 1, 3, 5 और 15। इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही सार्व गुणनखंड है, इनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड है, ठीक है? क्या है? एक ही सार्व गुणनखंड है। इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कॉमन क्या है? केवल एक है। इसको आपको याद रखना है। इसको मैं एक बार हाईलाइट भी कर देता हूं। दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है, यह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे अगर 2 और 3 दो संख्याएं हैं, 2 के गुणनखंड होंगे 1 और 2, 3 के गुणनखंड होंगे 1 और 3। इनमें केवल एक ही कॉमन होगा, केवल संख्या एक ही कॉमन इसमें होगी। इनको हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स या फिर सह अभाज्य संख्याएं। इसी तरीके से 7 और 16 है तो 7 के गुणनखंड होंगे 1 और 7। 16 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 4, 8 और 16। कॉमन क्या है? केवल एक ही है, ठीक है? तो जहां पर केवल एक ही सार्व गुणनखंड होगा, सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरीके से आप इनमें भी चेक कर सकते हैं। ये 3 संख्याएं आपको दी हैं, 4 के गुणनखंड ये हैं, 12 के ये हैं और 16 के ये हैं। तो यहां से अगर आप सार्व गुणनखंड निकालेंगे तो 1, 2, यहां पे 2 सार्व गुणनखंड यहां पे मिल रहे हैं और एक ये भी है, ठीक है? 4 भी है, 1, 2 और 4। तो इनको हम कहते हैं सार्व गुणनखंड। लेकिन जहां पर केवल एक ही सार्व गुणनखंड होगा, उन संख्याओं को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स। आगे चलते हैं। 4 और 6 के गुणज क्या हैं? देखो, 4 के गुणज क्या होंगे? 4 एकम 4, 4 दुना 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20। 8 के गुणज क्या होंगे? 6 के गुणज, 6 के गुणज होंगे 6 एकम 6, 6 दुनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंजे 30। इसी तरीके से 4 के आगे बढ़ाते हैं, 4 छक्का 24। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये इसके गुणज हैं और यहां पे 6 के गुणज हैं। तो यहां से भी आपको कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है? एक तो 12 है, एक यहां पे कॉमन आपका होगा 36। 4 के पहाड़े में 36 आता है और 6 के पहाड़े में भी 36 आता है। इनमें से क्या कुछ और ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों सूचियों में आ रही हैं? हम देखते हैं कि 12, 24, 36 और 48 4 और 6 के, 6 दोनों के ही गुणज हैं, यानी दोनों में हैं। तो ये 4 और 6 के उभयनिष्ठ या सार्व गुणज कहलाते हैं। तो चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे
दो का पहाड़ा है, दो एकम दो, दो तिया दो दुनी चार, दो तिया छह, दो चौको आठ, दो पंजे दस, दो छका 12। तीन क्या है? तीन दुनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौको 12। तो दोनों में कॉमन क्या है? एक तो कॉमन है 6, एक कॉमन है आपका 12। तो ये 6 और 12 क्या होंगे? इन दोनों के, दो और तीन के सार्वगुणज कहलाएंगे, यानी कॉमन मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो चीजें क्लियर आपकी हो गई होंगी। इसी तरीके से आप इसको भी देख सकते हैं। उदाहरण 5 हम देखते हैं, 75, 60 और 210 के सार्वगुणनखंड लिखिए। तो 75 के गुणनखंड, गुणनखंड निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम एक का भाग देंगे, फिर दो का, फिर तीन का, फिर चार का, इस तरीके से हम भाग करते चलेंगे। और जिन जिन संख्याओं से भाग जाएगा उनको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो 75 के गुणनखंड हैं 1, 3, 5, 15, 25 और 75। 60 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 और 60। इसी तरीके से 210 के गुणनखंड ये सारे हैं। यहां से आपको कॉमन गुणनखंड निकालने हैं, यानी कॉमन फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। एक तो है 1, इसके बाद 3, तीनों में है, तीनों संख्याओं का गुणनखंड है। इसके बाद एक संख्या है 5, जो तीनों ही संख्याओं का गुणनखंड है। इसके बाद अगली संख्या है आपकी 15, जो तीनों में है। तो इसके जो सार्व गुणनखंड होंगे 1, 3, 5 और 15 होंगे। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल है 6, 3, 4, 9 के सार्व गुणज ज्ञात कीजिए। तो तीन का पहाड़ा लिखना है, फिर चार का, फिर नौ का, और वहां से जो जो कॉमन होंगे उनको आपको लिख लेना है। जैसे तीन की टेबल यहां तक ये लिखी हुई है, इसके बाद चार की लिखी हुई है 48 तक, फिर नौ की लिखी हुई है 81 तक। तो यहां से कॉमन इनके जो सार्व गुणज होंगे, एक तो क्या होगा, तीनों में क्या है, एक तो है 36, इसमें भी है 36, इसमें भी है 36 और इसमें भी है। दूसरा आपका है 72, इसमें भी है 72, चार के पहाड़े में भी आता है 18 चौको 72, तो 72 इसमें भी होगा और 72 इसमें भी होगा, 24 तिया 72। तो ये सारे इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं, सार्व गुणज हैं। तो ये प्रश्नावली 3.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके बाद इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना। इसके बाद हम करेंगे प्रश्नावली 3.4। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।